नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक हॉरर जॉनरे की नॉवल। नॉवल का नाम है स्वाहा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस खतरनाक हॉरर नॉवल को, जिसका नाम है स्वाहा। हवाएं चीख रही थी, मुसलधार बारिश जारी थी। आकाश से धरती तक मानो पानी की चादर सी तन गई थी। रात के 2 बजे थे। भयानक अंधेरी रात, गरजते बादल, कड़कती बिजली, बारिश के शोर और दरवाजे खिड़कियां बजाती हवा ने वातावरण को जैसे प्रेतग्रस्त बना रखा था। ऐसे में उसने वो ख्वाब फिर देख लिया था। बड़ा ही अजीब ख्वाब था, भयावह, खौफजदा और सहमा देने वाला। और इस ख्वाब को वो अब निरंतर देखने लगी थी। हर दूसरी तीसरी रात वही ख्वाब देखती थी वो। आज भी जब उसकी आंख खुली तो उसके शरीर में कंपन था। वो हौले हौले कांप रही थी। दिल बैठा जा रहा था, कंठ में कांटे से पड़ रहे थे, दिमाग जैसे चल होकर रह गया था। पहले तो उसकी समझ में नहीं आया कि उसकी आंख खुल गई है या वो अब भी ख्वाब देख रही है। वो अभी 1 घंटा पहले ही तो सोई थी। आज शाम से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, दिल पर कुछ बोझ सा था। आज उससे ठीक तरह से खाना भी नहीं खाया गया था। खाना खाने के बाद वो चहलकदमी के लिए ज़रूर निकलती थी, आज वो टहलने भी नहीं निकली थी। बस आधा अधूरा खाना खाकर ही अपने कमरे में आ गई थी। फिर कुछ देर वो टीवी के विभिन्न चैनल घुमाती रही। एक चैनल पर इंग्लिश फिल्म आ रही थी, वो देखने बैठ गई। फिल्म लगभग 12 बजे ख़त्म हुई, उसने टीवी ऑफ कर दिया। फिल्म सस्पेंस वाली थी, उसके कई सीन बार बार उसकी निगाहों में घूम रहे थे। वो यूं ही कमरे से निकलकर गैलरी में आ गई और बाहर का नज़ारा करने लगी। तभी निकट के एक पेड़ से एक परिंदा उड़ा, वो तेजी से उसके सिर के पास से गुजर गया। वो एकदम सहम गई, वो काफ़ी बड़ा पक्षी था, चील जितना बड़ा होगा। उसकी समझ में ना आया कि रात के 12 बजे आखिर परिंदे को उड़ने की ज़रूरत क्यों पेश आई। यही लगा था उसे, जैसे वो परिंदा उसे ही गैलरी में देख कर उसकी तरफ लपका था। इस ख्याल ने उसे सहमा दिया। वो फौरन कमरे में आ गई, दरवाज़ा अच्छी तरह बंद किया और बिस्तर पर लेट गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी। एक तो रहस्यपूर्ण सस्पेंस फिल्म का असर, फिर उस पक्षी का बहुत ही पास से उसके चेहरे को हवा देते हुए गुजर जाना। उसने सोचा कि वो नीचे जाकर सो जाए या फिर नीचे से किसी को अपने पास बुला ले, लेकिन ये दोनों ही ख्याल खुद उसे उचित ना लगे। कैसेटों के रैक से उसने कैसेट चुना और म्यूजिक सुनने लगी। ध्यान बटाने को उसे यही सोचा था। धीमे संगीत के उसके इस अपनी पसंद के कैसेट ने धीरे धीरे उस पर असर करना शुरू किया। उसे नींद आने लगी। उसने लेटे लेटे ही रिमोट कंट्रोल से कैसेट प्लेयर ऑफ किया और करवट लेकर आंखें बंद कर ली। फिर अचानक ही उसे परों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई परिंदा उसके सिर पर से गुजर गया हो। वो तत्काल उठकर बैठ गई। कमरे की लाइट जल रही थी। जब से रहस्यपूर्ण भयावह ख्वाबों का ये सिलसिला शुरू हुआ था, वो कमरे में लाइट जलाकर सोती थी। दरवाज़ा भी बंद था। किसी परिंदे का उसके सिर पर से गुजर जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता था, ये महज उसका भ्रम था। अपने इस ख्याल पर उसे शर्मिंदगी महसूस हुई कि वो दिन प्रतिदिन ऐसी डरपोक क्यों होती जा रही थी। रिमोट कंट्रोल उठाकर उसने कैसेट प्लेयर फिर ऑन कर दिया। लोरी देता हुआ संगीत फिर से कमरे में सुनाई देने लगा। संगीत सुनते सुनते अंततः वो नींद की आगोश में चली गई। और फिर वो अभी लगभग 1 घंटा ही सोई होगी, उस डरावने ख्वाब ने उसकी नींद उड़ा दी। जब वो सोई थी तो दूर तक बारिश के आसार न थे। आंख खुली तो वातावरण का रंग ही कुछ और था। कुछ देर तक तो वो समझ ही नहीं पाई कि वो अभी ख्वाबी देख रही है या जाग गई है। कहीं दूर बादलों की गर्जना सुनाई दी। अचानक ही बिजली बड़े वेग से चमकी और बाहर धमाके से होने लगे। वो घबरा कर उठ बैठी। कैसेट प्लेयर अभी तक चालू था। उसके हाथ पाँव काँप रहे थे, दिल किसी पत्ते की तरह लरज रहा था। उसमें इतनी हिम्मत भी ना थी कि वो रिमोट उठाकर कैसेट प्लेयर ऑफ कर दे। फिर कुछ देर बाद उसके हवास संयत हुए, उसने संभाल लिया। विवेक काम करने लगा तो उसने साइड टेबल पर रखे जग से पानी निकाला और गटागट करके पी गई, कुछ इस तरह जैसे सदियों से प्यासी हो, सूखा गला तर हुआ। संज्ञा शून्य जहन खुला तो उसे वो ख्वाब याद आया जिसकी वजह से उसकी आँख खुली थी। ये विचित्र अनूठा सपना वो कई माह से देख रही थी। शुरू में ये ख्वाब 1-2 महीने के बाद नजर आता था, फिर धीरे धीरे ये अंतराल कम होने लगा। सप्ताह 10 दिन के बाद अब तो ये ख्वाब लगभग हर रोज ही नजर आने लगा था। हाँ, पिछले 5 दिनों से वो इस ख्वाब को निरंतर देख रही थी। वो देखती कि अंधेरी रात है
कहीं दूर से भेड़ियों की गुर्राहट की आवाजें आ रही हैं। फिर सहसा ही भयावह अंधेरी रात एक प्रकाशमान दुबल दिन में बदल जाती है। अब उसे दूर क्षितिज तक फैला एक रेगिस्तान दिखाई देता है। दूर दूर तक रेत ही रेत उड़ती दिखाई देती है। इस रेगिस्तान में वो स्वयं को भटकता महसूस करती है। नंगे पांव और गर्म रेत पर चलते चलते अचानक ही एक झोपड़ी उसके सामने आ जाती है। इस झोपड़ी की छत पर उसे एक उल्लू बैठा दिखाई देता और झोपड़ी के दरवाजे पर कुंडली मारे एक सांप काले रंग का फन उठाए अपनी जीभ लपलपाता नजर आता। इस भयावह दृश्य को देखकर वो भागने लगती तो पीछे से आवाज आती, डर मत बहन, आओ झोपड़ी के भीतर आ जाओ। ये किसी मर्द की आवाज होती है। पुकारने वाले की आवाज से एक पीड़ा एक व्यथा का सा आभास होता है, जैसे बुलाने वाला किसी कपट का शिकार हो और अपनी मदद के लिए किसी को अंदर बुलाना चाहता हो। इस आवाज पर वो पलट कर देखती तो पुकारने वाला तो दिखाई ना देता, अलबत्ता वो खौफनाक काला सांप उसकी तरफ झपटता और वो चीख मार कर रोने लगती। इस वक्त भी उसने यही ख्वाब देखा था। तपता रेगिस्तान, गोल झोपड़ी की छत पर बैठा उल्लू, सांप और अंदर से आती वो दर्द भरी आवाज, डरो मत बहन, आओ झोपड़ी के भीतर आ जाओ। उसने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला था कि वो इस आवाज को पहचान जाए, लेकिन वो पहचान ना सकी थी। ये आवाज उसके लिए नितांत अजनबी थी, उसके किसी प्रियजन, किसी सगे संबंधी या जानने वाले की आवाज नहीं थी। वो एक निडर लड़की थी, लेकिन इस ख्वाब के खौफ ने उसकी निर्भयता व दुस्साहस में दरारें डालना शुरू कर दिया था। अब वो सोचने लगी थी कि कल से वो नीचे सोएगी या फिर अपने साथ कमरे में किसी को बुलाकर सुलाएगी। लेकिन सुलाएगी किसको? ले देकर माया ही तो थी जो उसके साथ आ सकती थी, या फिर गंगा मौसी थी, मगर मौसी ऊपर नहीं आ सकती थी, वो गठिया की मरीज थी। सीढ़ियाँ चढ़ना उसके बस की बात न थी। बस यही हो सकता था कि वो खुद ही उनके कमरे में जा सोया करे। उसने अभी तक अपना ये ख्वाब किसी को नहीं बताया था, गंगा मौसी को भी नहीं। लेकिन अब उसमें हिम्मत ना रही थी। उसने तय कर लिया था वो सुबह होते ही गंगा मौसी को अपने इस सपने के बारे में जरूर बताएगी। यूं तो अभी उसकी उम्र खैर से ख्वाब ही देखने वाली थी, सुहाने और मीठे ख्वाब। इस उम्र में लड़कियां ऐसे रहस्यमय और भयभीत करने वाले ख्वाब कहां देखती हैं। उन्हें तो हर तरफ घोड़े पर सवार एक सुदर्शन राजकुमार ही नजर आता है। वे अपनी पसंद के अनुसार अपने अपने आइडियल के सपने देखती हैं। वो कौन होगा, कहां से आएगा, कब आएगा? लड़कियां ही क्या, ख्वाब तो सभी देखते हैं, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या जवान। अपनी अपनी अतृप्त ख्वाहिशों को पूरा होते देखने के लिए अपनी उम्र का आधा हिस्सा इंसान आंखें बंद करके गुजार देता है। वो बंद आंखें कितनी पुरसकून है, कारामाद है, ये बात कोई उन लोगों से पूछे जो करवटे बदलते खुली आंखों से गुजार देते हैं। सची में नींद और ख्वाब ऊपर वाले का वरदान है। अगर इंसान से उसकी नींद, उसके ख्वाब छीन लिए जाए तो ये जीवन नर्क बन जाए, कैसा यातनामय हो जाए। ये ख्वाब गरीब को अमीर बनाते हैं और कुंवारों को विवाहित। ये तो प्रभु कृपा है कि सपनों पे कोई अंकुश नहीं है, इनकी कोई सीमा नहीं है। इंसान कैसे कैसे ख्वाब देखता है। अगर यही ख्वाब यातनामय हो जाए तो कैसे कैसे मासूम कैसी कैसी सजा पाए। उसे दिखाई देने वाला ये ख्वाब उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। वो सोच सोच कर हलकान हुई जा रही थी कि आखिर उसे ये सजा क्यों मिल रही है। ये ख्वाब उस पर, उसकी नींद पर क्या हावी कर दिया गया है। इस दिल दहला देने वाले ख्वाब के बारे में सोचते सोचते अंततः उसे नींद आ गई। और फिर प्रातः अगर नौकरानी माया उसे ना उठाती तो वो ना जाने कब तक सोती रहती। बीबी, क्या इरादा है, आज उठना नहीं है क्या? नौकरानी माया ने उसका बाजू हिलाया। ओ माया, क्या बजा है, उसने आंखें मलते हुए पूछा। बहुत कुछ बज गया बीबी और बहुत कुछ हो गया, अब उठ जाओ। क्या हो गया है, वो एकदम चौंक गई। रात का ख्वाब बड़ी तेजी के साथ उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसका दिल बेअख्तियार ही तेजी से धड़कने लगा था। उसने संकित भाव से पूछा, खैरियत तो है माया? हाँ बीवी, खैर है, परेशानी वाली कोई बात नहीं। वो आपके एक दादा थे ना? अरे वही दादा, हरिओम। वो जी चल बसे, घर के सब लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। अरे माया, फिर मुझे उठाया क्यों नहीं? वो तेजी से उठकर खड़ी हो गई। तुम भी हद करती हो। ओ बीवी, अभी तो आया है फोन, बड़ी बीवी ने जैसे ही मुझसे कहा मैं फौरन आपको उठाने आ गई हूँ। क्या मौसी भी जा रही है वहाँ? जा रही हैं, वो तो दरवाजे पर खड़ी हैं, तैयार है जाने के लिए। अच्छा माया, तुम मौसी से जाकर कहो मैं मुंह हाथ धोकर अभी नीचे आ रही हूँ। ये कहते हुए वो बाथरूम की तरफ बढ़ी। मेरा इंतजार करें, मैं उन्हीं के साथ जाऊंगी। ठीक है बीबी, आप जरा जल्दी से नीचे आ जाएं। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे पहुंची, उल्टा सीधा नाश्ता किया और फिर वो गंगा मौसी के साथ गाड़ी में आ बैठी। अमर, जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था, उसने जरा सा तिरछा होकर उसे देखा और पूछा,
आज आप कुछ ज्यादा देर से नहीं उठी? हाँ, आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई, बड़े सहज भाव में वो संक्षेप सा जवाब दिया था उसने। इसके साथ ही उसे फिर बीती हुई भयानक रात याद आ गई। वो भयानक ख्वाब उसकी नजरों में घूम गया था। उसने ध्यान बटाने के लिए बस यूं ही गंगा मौसी से पूछा, मौसी, दादा की डेथ कब हुई? सुबह मुंह अंधेरे, गंगा मौसी ने बताया। बड़े खुश नसीब थे वो, भगवान ऐसी मौत सबको दे। वो कैसे मौसी? उसने जिज्ञासावश पूछा। नहा धोकर ध्यान लगाते लगाते ही प्रभु से जा मिले बेटी। घर के लोग जब जागे तो वो समाधि लगाए बैठे थे और प्राण पखेरु उड़ चुके थे। काफी समय से ध्यान लगाए बैठे थे, उन्हें पहले आवाज दी, जवाब न मिलने पर हाथ लगाया गया। हाथ लगाते ही वो एक तरफ को लुढ़क गए। गंगा मौसी ने गहरा ठंडा सांस लिया। मौसी, उम्र क्या होगी दादा की? बस एक साल की कमी रह गई, अगर एक साल और जी जाते तो पूरे 100 साल के हो जाते। वाकई मौसी, इतनी उम्र थी उनकी? और मौसी बड़े चाव से बोली। अब तो वो दोबारा से जवान होने लगे थे, बाल काले हो रहे थे और दांत दोबारा निकल रहे थे। रहने दे मौसी, इस बार अमर बोला, उसे मौसी की बात पर जैसे यकीन ना आया था। अच्छा अच्छा, गाड़ी सामने देख कर चलाओ, गंगा मौसी बोली। वो फिर बात का रुख दूसरी तरफ मोड़ते हुए बोली, एक बात और मशहूर है उनके बारे में, वो सपनों का स्वप्नफल बहुत सटीक व अच्छी तरह से बताते थे। सपना, ख्वाब? सच मौसी? वो एकदम चौंक गई और इसके साथ ये भी सोचे बिना ना रह सकी। हाय दादाजी, आपने जाने में इतनी जल्दी क्यों की? काश वो अपना ख्वाब उन्हें सुना सकती और उनसे मार्गदर्शन पा सकती, शायद वही उसे इस मानसिक यातना से मुक्ति दिला सकते। हाँ, ये सच है, गंगा मौसी गंभीरता के साथ बोली। मौसी, एक बात बताए, उल्लू के बारे में आपका क्या ख्याल है? अरे, ये अचानक तुम्हें उल्लू का ख्याल कैसे आ गया? गंगा मौसी ने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा। मौसी हकीकत में बड़ी हैरान थी। बड़ी रहस्यमय वह मिस्टीरियस परिंदा है, मौसी के जवाब देने से पहले ही अमर बोल उठा। वेस्ट वाले उन्हें दार्शनिक समझते हैं, अकल वो ज्ञान का लक्षण मानते हैं। यूरोप के एक बड़े पब्लिशर ने उल्लू की तस्वीर को अपना मोनोग्राम बनाया हुआ है और ईस्ट वाले उल्लू को बेवकूफ समझते हैं। हमें किसी को मूर्ख बेवकूफ कहना हो तो उल्लू कह देते हैं। बड़ों से इसकी मनहूसियत के बारे में जरूर सुना है, उल्लू जहाँ बैठते हैं वहाँ वीरानी फैलने लगती है, शायद इसी कारण ये उल्लू बोलने का मुहावरा बना है, गंगा मौसी का जवाब था। बस इसी तरह की बातें करते हुए वे दादा हरिओम के घर पहुंच गए। काफी लोग इकट्ठे हो चुके थे और जैसे जैसे लोगों को उनकी मौत की खबर मिलती जा रही थी, संख्या बढ़ती जा रही थी। इंसान की वास्तविक लोकप्रियता का अंदाजा उसकी मौत के बाद होता है। जिंदगी में तो बहुत से स्वार्थ आदमी को एक दूसरे के द्वार पर ले जाते हैं, लेकिन आदमी मरने के बाद तमाम स्वार्थों व जरूरतों से मुक्त हो जाता है, कुछ भी तो नहीं रह जाता। न दौलत रहती है, न कुर्सी रहती है और ना ही हैसियत रहती है, बस मिट्टी का पुतला जो राख बनने को रह जाता है। तब मालूम होता है कि वो किसके कितने काम आया। औपचारिकताओं के बाद जब दादाजी की अर्थी उठी तो मालूम हुआ कि दादाजी क्या चीज थे। बहुत से लोग थे उनकी इस शव यात्रा में और हर आंख आंसुओं से भरी थी। अपनी जिंदगी में दादा हरिओम ने न जाने कितने लोगों का दर्द बांटा होगा, कितने लोगों का बोझ उठाया होगा। आज वही लोग दादा को अपने कंधों पर उठाए हुए थे। अंत्योष्टि के बाद अमर घर वापस चला गया था, जबकि गंगा मौसी और वो वहीं रह गई थी। गंगा मौसी ने कहा था कि वे बाद में खुद ही घर पहुंच जाएंगी और अमर को आने की जरूरत नहीं। दादा हरिओम के साथ बेटे थे और मजे की बात यह थी कि वे सातों के सातों इसी घर में रहते थे और सातों जिंदा थे। बड़ा बेटा घनश्याम 60 साल से ऊपर का होगा, रिटायर्ड जिंदगी गुजार रहा था, सबकी शादियां हो चुकी थी, सबके बच्चे थे और बच्चों में से भी कईयों की शादियां हो चुकी थी, यानी कि दादा हरिओम सिर्फ दादा न थे बल्कि वो परदादा भी थे। सातों भाइयों में बड़ा अपनापन था, लेकिन भाइयों की संतानों में प्यार मोहब्बत ना थी। उनमें से कई लड़के घर छोड़कर जा चुके थे और अलग अलग मकानों में रहते थे। इन सात भाइयों की पत्नियां भी बहुत अच्छी थी, उन्होंने इस घर में आकर घर को जोड़ने की तो कोशिश की थी, तोड़ने की कोशिश ना की थी। गंगा मौसी दादा हरिओम के बड़े बेटे घनश्याम से बातें कर रही थी। घनश्याम अपने बाप की खूबियां बयान कर रहा था। दादा की जिंदगी की घटनाएं, उनसे जुड़ी यादें और उनके गुणों की ही चर्चा हो रही थी और गंगा मौसी ये सब बड़े शौक से बड़ी दिलचस्पी के साथ सुन रही थी। तभी घनश्याम की पत्नी मीरा हाथ में ट्रे लिए अंदर आई। ट्रे में चाय के 4 कप रखे थे। मीरा ने उन तीनों को एक एक कप दिया, वो चौथा स्वयं लेकर सोफे पर बैठ गई। पर तभी न जाने क्या ख्याल आया, कप मेज पर रखा और अपने पति घनश्याम के पास जाकर उसके कान में कुछ कहा। घनश्याम ने अपनी बीवी की बात सुनकर उसकी तरफ देखा, फिर कहा,
ठीक है, जाओ ले आओ। गंगा मौसी, मैं अभी आई, ये कहती मीरा कमरे से निकल गई। घनश्याम भाई, खैरियत तो है? गंगा मौसी बेचैन होकर बोली। इस लड़की की एक अमानत है मेरे पास, घनश्याम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। बाबा ने मरने से एक दिन पहले ही मेरे हवाले की थी। उन्होंने कहा था कि जब ये यहाँ आए तो इसे दे देना। ऐसी क्या चीज़ है जो दादा हरिओम इसके लिए दे गए हैं? ये तो मैं भी नहीं जानता, वो एक लिफाफा है, घनश्याम ने चाय का घूंट लेते हुए कहा। गंगा मौसी की हैरत बढ़ गई थी। क्या आपको यकीन है कि ये लिफाफा इसी के लिए है? ये तो दादा से शायद सिर्फ एक ही बार मिली है, गंगा मौसी ने बेचैनी से कहा। गंगा, क्या ये तुम्हारी भांजी नहीं है? क्या लिफाफे पर इसका नाम लिखा है? गंगा मौसी कुछ सोच के बोली। मैं नहीं समझती कि दादा ने सिर्फ एक मुलाकात में ही इसे याद रखा होगा। तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है घनश्याम, वो लिफाफा किसी और के लिए होगा। ये बातें हो ही रही थी कि मीरा सफेद रंग का एक लंबा सा लिफाफा लिए अंदर आई। मीरा ने वो लिफाफा घनश्याम के हाथ में थमा दिया। वो भी चाय पी रही थी। गंगा मौसी और घनश्याम की बातों ने उसे भी चौंकाया था, और ये सचमुच ही बड़ी हैरत की बात थी कि स्वर्गीय हरिओम ने ना सिर्फ उसे याद रखा था बल्कि उसके लिए एक लिफाफा भी छोड़ा था। दादा से वो सची में सिर्फ एक ही बार मिली थी, और उनसे ऐसी कोई घनिष्ठता भी नहीं थी कि वो कोई पत्र उसके लिए छोड़ते। गंगा मौसी का यह ख्याल भी सही था कि दादा को तो उसका नाम भी याद ना रहा होगा। घनश्याम ने उस लिफाफे को उलट पलट कर देखा, बोला, गंगा, लिफाफे पर कोई नाम नहीं लिखा है, लेकिन तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब दो, क्या ये तुम्हारी भांजी नहीं? भांजी है, लेकिन सगी नहीं, और ये बात सब जानते हैं। बात सगे या सौतेले की नहीं है गंगा, ये तुम्हारी भांजी है ना, चाहे रिश्ते की ही सही। और इसका नाम, घनश्याम बोलते बोलते सोचने लगा, इसका नाम रेखा है, गंगा मौसी ने उसका नाम बताया और उसकी तरफ देखा। घनश्याम बोला, मुझे बाबा ने ये लिफाफा देते हुए कहा था कि वो लड़की गंगा मौसी के साथ आएगी, उसे ये लिफाफा दे देना और उसे हिदायत कर देना कि वो ये लिफाफा सबके सामने ना खोले, अपने घर जाकर एकांत में खोले, इस लिफाफे में उसका ख्वाब बंद है। ख्वाब? वो चौंकी, उसका नाम रेखा ही था, ख्वाब के जिक्र पर उसका चौंकना स्वाभाविक था। वो बोल उठी, मेरा ख्वाब? लेकिन दादाजी को कैसे पता चला? मैंने तो अपने ख्वाब का जिक्र ही अभी तक किसी से नहीं किया है, गंगा मौसी से भी नहीं। फिर? गंगा मौसी उसकी सूरत देखने लगी। ये मैं नहीं जानता, घनश्याम लापरवाही से बोला, और अब तुम्हारे इस इकरार के बाद ये पक्का हो जाता है कि ये लिफाफा तुम्हारे लिए है। याद आया, एक बात और भी कही थी बाबा ने। वो क्या? रेखा ने अपने होठों पर जीभ फिराई। उन्होंने कहा था कि उस लड़की का नाम रेखा है, लेकिन ये उसका असली नाम नहीं है, उसका असली नाम शीना है। शीना? रेखा परेशान होकर बोली, लेकिन नाम तो रेखा है और ये सब जानते हैं। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, बाबा ने मुझसे जो कहा था वो मैंने तुम्हें बता दिया, ये लो अपनी अमानत। घनश्याम ने वो सफेद लिफाफा रेखा की तरफ बढ़ा दिया। रेखा ने कांपते हाथों से वो लिफाफा थाम लिया, उसे उलट पलट कर देखा और फिर अपने हैंडबैग में रख लिया। रेखा बेटी, घनश्याम उसे परेशान देखकर बोला, शायद तुम्हें ये बात मालूम ना हो, किसी का भूत, वर्तमान, भविष्य उनसे छिपाना रहता था, और ख्वाब, ख्वाबों की पहेली का हल बताने में तो वो माहिर थे। लोग दूर दूर से उनसे अपने सपनों का स्वप्नफल मालूम करने आते थे। मुझे मालूम है, रेखा धीमे से बोली, मौसी ने आज ही रास्ते में मुझे बताया था, और आज ही मुझे भी अपने बाबा के बारे में एक बात और मालूम हुई है कि स्वप्नफल के साथ साथ ख्वाब देखने वाले के भूत व भविष्य से भी अच्छी तरह वाकिफ हो जाते थे, सब कुछ जान लेते थे। तुम ये कह सकती हो बेटी, वो बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, लेकिन उन्होंने खुद को हमेशा छिपा कर रखा। अरे, आपको नहीं मालूम होगा, मुझे तो बाबा के बारे में अच्छी तरह अंदाजा था कि वो कितने पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, आखिर लोग उनके पास यूं ही नहीं आते थे। मीरा खुद को बोलने से ना रोक सकी थी। बड़े चकरा देने वाले हालात थे, पहले वे भयानक स्वप्न और अब ये रहस्यमय लिफाफा। रेखा बड़ी मुश्किल से ही खुद को संयत रख पा रही थी। कुछ देर बाद ही गंगा मौसी और रेखा ने घनश्याम से इजाजत ली। गंगा मीरा से गले लगकर मिली। घनश्याम ने अपने बड़े बेटे को बुलाकर उससे कहा कि वो उन दोनों को अपनी गाड़ी में उनके घर तक छोड़कर आए। गंगा मौसी ने मना भी किया कि इस कष्ट की जरूरत नहीं, वे किसी रिक्शा या ऑटो में घर पहुंच जाएंगी, लेकिन घनश्याम ने उनकी एक न सुनी। वे घर के गेट तक गंगा मौसी व रेखा को विदा देने के लिए आए, और जब तक वो गाड़ी में बैठकर चली न गई वो गेट पर ही खड़े रहे। वापसी का सफर बड़ी खामोशी से कटा। गंगा मौसी ने बात करनी भी चाही, लेकिन रेखा ने जवाब में उन्हें खाली खाली निगाहों से देखा तो वह समझ गई कि रेखा अंदर से परेशान है। रेखा वास्तव में ही परेशान थी।
उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि दादाजी को उसके ख्वाब के बारे में किस तरह पता चल गया था और इस लिफाफे में उसके भयानक सपने का कैसे स्वप्नफल बंद है। रेखा शीघ्र अतिशीघ्र इस स्वप्नफल के बारे में जान लेना चाहती थी। सीढ़ियां चढ़कर वो अपने बेडरूम में दाखिल हुई, दरवाजा बंद किया, हैंडबैग बेड पर उछाल दिया और बाथरूम में जा घुसी। वो नहा धोकर बाहर निकली, ठंडे पानी से राहत सी पहुंची थी। वो स्वयं को तरोताजा महसूस करने लगी थी। वो दादा का पत्र पढ़ने को बेकरार थी और फिर अभी उसने बैग से लिफाफा निकाला ही था और खोलना ही चाहती थी कि सहसा दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा बड़े जोर से फड़फड़ाया जा रहा था और साथ ही माया चीख भी रही थी, जल्दी दरवाजा खोले बीबी। रेखा ने लिफाफा फौरन वापस बैग में रखा और बैग को बेड पर छोड़ दरवाजे की तरफ बढ़ी। माया की हड़बड़ाहट ने उसे बदहवास कर डाला था। उसका दिल बड़े जोर जोर से धड़कने लगा था। हे प्रभु कृपा। रेखा ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसे देखकर वो बरबसी चीख मारकर पीछे हट गई। माया के हाथ में एक पिंजरा था और पिंजरे में एक उल्लू बंद था। रेखा ने उल्लू को देखकर ही चीख मारी थी। माया ने वो पिंजरा दहलीज पर रख दिया व तसल्ली देते हुए बोली, डरते नहीं बीबी, ये पिंजरे में बंद है। ये पिंजरा कहाँ से आया, कौन लाया है इस उल्लू को? रेखा सहम कर पिंजरे में बंद उल्लू को देख दूर से ही बोली, बीबी अभी एक आदमी आया था, वही दे गया है। माया ने पिंजरे के कुंडे पर हाथ रखते बताया, फिर पूछा, अंदर ले आऊं बीबी? नहीं नहीं, तुम पागल हो गई हो क्या माया? रेखा ने उसे डांटते हुए कहा, तुम अंदर आ जाओ, इसे वहीं रहने दो। माया पिंजरा वहीं छोड़कर अंदर आ गई। रेखा कांपती टांगों से अपने बेड पर आ बैठी। बेड पर उसका बैग और वो बंद लिफाफा पड़ा था जो दादा हरिओम ने उसके लिए छोड़ा था और हिदायत दी थी कि उसे सबके सामने ना खोला जाए। रेखा ने फौरन ये लिफाफा उठाकर बैग में डाल दिया और उसकी जिप बंद करते हुए दरवाजे पर रखे पिंजरे को देखने लगी। वो उल्लू अपनी बड़ी बड़ी जर्द आंखों से उसे ही घूर रहा था। माया, तुमने इस पिंजरे को अंदर क्यों ले लिया, कौन था वो शख्स? रेखा की परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। बीबी, उस आदमी ने ज्यादा बात ही नहीं की, मैंने जैसे ही गेट खोला उसने ये पिंजरा मेरी तरफ बढ़ा दिया और बोला कि शीना को दे दे। मैंने कहा कि कौन शीना, यहाँ इस नाम की कोई नहीं है, तो वो बोला कि अपनी रेखा बीबी को जाकर दे दे। अच्छा, मैं चलता हूँ, और ये कहकर उसने पिंजरा मेरे हाथों में थमा दिया और मेरे कुछ कहने से पहले ही चला गया, माया ने बताया। शीना? रेखा को चक्कर सा आ गया, उसने खुद को संभाला। कैसा शख्स था वो? तुमने बड़ी गलती की माया, मुझे फौरन बुला लेना था। उसने मेरी बात सुनी ही नहीं, माया मुंह बनाते बोली, और वो बड़ा ही अजीब सा आदमी था बीबी। काले कपड़े पहने हुए थे, बड़े लंबे लंबे बाल थे जो उसके कंधों पर पड़े हुए थे, सांवले रंग का था, लंबा चेहरा, कानों में बालियां, एक हाथ में तांबे का मोटा सा कड़ा और उंगली में चांदी की पत्थर लगी अंगूठी, काली चमकती हुई आंखें। बस मैं और क्या बताऊं बीबी कि वो कैसा आदमी था। मैंने तो इस तरह का आदमी पहले कभी नहीं देखा। फिल्मों में वो भूत प्रेत उतारने वाले खौफनाक शख्स दिखते हैं ना बीबी, बस वैसा ही दिखता था। रेखा फौरन खिड़की की तरफ गई। इस खिड़की से घर का गेट साफ नजर आता था। खिड़की खोलकर उसने इधर उधर देखा मगर उसे कोई आदमी दिखाई नहीं दिया। उसने खिड़की बंद कर दी। वो पलटकर माया से संबोधित हुई, तुम्हें विश्वास है कि उस शख्स ने मेरा ही नाम लिया था? जी बिल्कुल बीबी, पहले तो उसने शीना कहा, फिर जब मैंने इनकार किया तो बोला कि जाकर अपनी रेखा बीबी को दे दो। उसने साफ साफ आपका नाम लिया था बीबी, क्या आप उसे नहीं जानती? माया ने हैरान होकर पूछा। नहीं माया, जाने कौन था वो शख्स और वो देकर भी क्या गया है। रेखा की निगाहें फिर पिंजरे की तरफ उठ गई। हाँ देखो भला, ये भी कोई देने की चीज है। भाई है क्या घर में? रेखा ने अमर के बारे में पूछा। नहीं बीबी, वो एक घंटा पहले कहीं गया है। और मौसी? वो अपने कमरे में पाठ पढ़ रही है। अच्छा, तुम इस पिंजरे को लेकर नीचे चलो, मैं आती हूँ। ठीक है बीबी। और माया ने जैसे ही पिंजरे का कुंडा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उल्लू ने बेचैन होकर फौरन अपने पंख फड़फड़ाए और एक भयानक चीख मारी। माया ने घबराकर अपना हाथ पीछे खींच लिया। माया, इसे फौरन नीचे ले जाओ, रेखा बदहवास सी बोली। और माया ने जैसे ही फिर पिंजरा उठाना चाहा, उल्लू फौरन ही उसकी तरफ झपटा और जोर जोर से अपने पंख फड़फड़ाए। हालांकि पिंजरा छोटा था, उसके पर पूरी तरह खुल नहीं रहे थे, लेकिन बंदे को खौफजदा करने के लिए बहुत थे। माया ने डर कर एक बार फिर अपना हाथ खींच लिया था। अरे माया, क्या कर रही हो, पिंजरा उठा लो, रेखा ने सख्ती से कहा। माया ने फिर उसे उठाना चाहा तो उल्लू ने इस बार फिर भयानक चीख मारी और अपने पंख फड़फड़ाने लगा। माया हाँफती कांपती सी बोली, मैं इस पिंजरे को नहीं उठा सकती, मुझे डर लग रहा है। अच्छा ठहरो,
मैं उठाकर देखती हूँ, कहते हुए रेखा आगे बढ़ी। उसके आगे बढ़ते ही वो उल्लू अपनी जगह खड़ा हो गया। रेखा ने हिम्मत करके पिंजरे की तरफ हाथ बढ़ाया। वो तैयार थी कि जैसे ही उल्लू चीखेगा वो फौरन अपना हाथ खींच लेगी, लेकिन ऐसा कुछ न हुआ। उल्लू अपनी जगह सिकुड़ा सिमटा बैठा रहा। रेखा ने दिल कड़ा करके पिंजरा उठा लिया। उल्लू ना फड़फड़ाया, ना झपटा और ना ही उसने खौफनाक आवाज निकाली। लो माया, अब तुम नीचे ले जाओ इसे, कहते हुए रेखा ने पिंजरा माया के हाथ में दे दिया। पिंजरा का माया के हाथ में आना था कि उल्लू फौरन फड़फड़ा उठा, साथ ही उसने बड़ी भयानक चीख मारी, कुछ इस तरह कि माया ने पिंजरा फौरन फर्श पर रख दिया और तेजी से सीढ़ियां उतरती चली गई। वो शायद बुरी तरह से डर गई थी। माया के जाने के बाद रेखा ने पिंजरे पर एक नजर डाली। खौफनाक उल्लू खामोशी से बुत बना रेखा को अपनी बड़ी बड़ी और जर्द आंखों से देख रहा था। उसकी आंखों में न जाने क्या बात थी कि खौफ की एक लहर रेखा के बदन में उतरती चली गई। रेखा ने पिंजरे को वहीं छोड़ा वह अपने कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। वो बेड पर आ बैठी और बैग से वो लिफाफा निकाला। लिफाफा हाथ में आते ही उसके दिल की धड़कनें सहसा ही तेज हो गई, हाथ में कंपन आ गया। यही सोच रही थी वो कि इस लिफाफे में जाने क्या बंद है। ये 9 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा एक सफेद रंग का लिफाफा था। रेखा ने उसे रोशनी की तरफ करके देखा तो उसमें एक पत्र के रखे होने का आभास हुआ। उसने हिम्मत करके लिफाफा फाड़ा व खत बाहर निकाल लिया, लेकिन वो खत तो कदापि नहीं था। कागज पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, इस पर पेंसिल से एक स्केच बना हुआ था और ये वही रेखा चित्र था जिसे वो कई रातों से निरंतर देख रही थी। एक गोल झोपड़ी, झोपड़ी के ऊपर बैठा हुआ उल्लू, दरवाजे पर कुंडली मारे बैठा सांप, झोपड़ी के अंदर अंधेरा, यही तो वो दृश्य था जो उसे ख्वाब में नजर आता था। बस एक आवाज की कमी थी, फिर एकाएक ही उसके दिमाग में वो आवाज भी गूंजने लगी, डरो मत, अंदर आ जाओ। ये कागज सफेद था और इस ख्वाब वाले नजारे के अलावा उस पर कुछ नहीं लिखा था। रेखा ने कागज पलट कर देखा तो उस पर एक और रेखा चित्र दिखाई दिया। ये एक दरवाजा था, बंद दरवाजा, और दरवाजे के हैंडल पर एक ताबीज लटका हुआ था। इस दरवाजे व इसके हैंडल पर लटके हुए ताबीज को देखते ही रेखा के दिमाग में एक धमाका सा हुआ और उसके मुंह से बेअख्तियार निकला, अरे ये तो नीचे वाले कमरे का दरवाजा है। उसने जल्दी से उस कागज को वापस लिफाफे में डाला और दरवाजा खोलकर हवा के तेज झोंके की तरह बाहर निकली। दरवाजे पर वो पिंजरा वैसे ही रखा था। उल्लू बड़े शांत भाव से बैठा हुआ था। रेखा को देखकर उस उल्लू ने अपनी गर्दन जरा सी टेढ़ी की और एक अजीब सी आवाज निकाली। रेखा को यही लगा था जैसे उल्लू ने उसे देखकर दिशा दर्शाई हो। रेखा ने कुछ सोचा और फिर कुंडा पकड़कर पिंजरे को उठा लिया। उल्लू ने कोई उछल कूद ना मचाई थी। रेखा पिंजरा उठाए नीचे उतर आई। उसने इधर उधर देखा। उसे गंगा मौसी की तलाश थी। इस जीने का एक रास्ता घर के अंदर जाता था और दूसरा रास्ता बाहर के लॉन की तरफ। उसने पिंजरे को बाहर वाले दरवाजे की तरफ छोड़ा और खुद गंगा मौसी के कमरे की तरफ भागी। गंगा मौसी अभी पूजा करके हटी थी कि रेखा को इस तरह बदहवास कमरे में घुसते हुए देखा तो क्षण भर के लिए घबरा गई। क्या हुआ रेखा, खैर तो है? खैर कहाँ है मौसी, वो नीचे कालीन पर ही उनके निकट बैठ गई। बीबी आपकी चाय यहीं ले आओ या बाहर पियेंगी, माया ने कमरे में आते हुए पूछा। माया देखो वो पिंजरा सीढ़ियों के करीब रखा है, तुम उसे उठाकर बाहर दीवार के साथ रखाओ, कहते हैं उल्लू बड़ा मनहूस होता है, जहाँ बैठता है वीरानी फैल जाती है। उल्लू? गंगा मौसी एकदम चौंकी, कहाँ है उल्लू? हाय बीबी मुझे डर लगता है, वो मेरे पिंजरा उठाते ही मुझ पर झपटता है, माया सहम सी गई। अच्छा तुम रहने दो और मेरी चाय इधर ही ले आओ, रेखा तेजी से बोली। जी ठीक है बीबी, माया आदरपूर्ण स्वर में बोली और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। यही डर था दिल में कहीं कि उसे पिंजरा उठाने को ना कह दे। गंगा मौसी का मुंह मारे हैरत के अभी तक खुला हुआ था। यही नहीं समझ पा रही थी कि ये अचानक उल्लू कहाँ से आ गया और वो भी पिंजरे में। गंगा मौसी ने फिर सवाल करना चाहा कि रेखा ने हाथ के इशारे से उन्हें सब्र करने को कहा और बोली, मैं बताती हूँ मौसी, आप परेशान ना हो। और फिर रेखा ने मौसी को उल्लू की कहानी सुना दी कि वो कहाँ से आया है और कैसे आया है। इस बीच माया चाय दे गई थी। अरे वो कौन मनहूस शख्स था जो अपने लगे सगे को हमारे हवाले करके चला गया, मौसी की परेशानी झल्लाट बन चली थी। रेखा तुम जल्दी से इस मनहूस को अपने घर से निकालो। मौसी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी उसका कुछ बंदोबस्त करती हूँ, रेखा ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, हालांकि खुद उसकी अपनी जान निकली जा रही थी। मौसी सुनिए, मैंने ये लिफाफा खोल लिया है, रेखा ने लिफाफा उनके सामने लहराया। अरे हाँ क्या निकला इसमें? मौसी क्षण भर के लिए उस उल्लू को भूल गई। एक कागज है इसमें मौसी, उस पर हाथ से 2 तस्वीरें बनी हुई हैं, रेखा ने बताया।
लेकिन वो तो तुम्हारे किसी सपने और उसके फल हल की बात कर रहे थे। रेखा, तुमने मुझे बताया नहीं कि कैसा ख्वाब देखा था। बस मौसी, मैं आज आपको बताती। मैं पिछले 5 दिनों से निरंतर वो सपना देख रही थी। अरे रेखा, क्या कोई डरावना ख्वाब था वो? ऐसा ख्वाब मौसी कि ख्वाब देखने के बाद जब मेरी नींद टूटती तो मेरी जान निकली हुई होती। रेखा सहम गई। तो पगली मुझे बताए क्यों नहीं? अकेली ऊपर सोती है, अब मत सोना ऊपर। अरे नहीं मौसी, रेखा बेबात मुस्कुराई। ऐसा भी क्या डरना, बस थोड़ी देर डर लगता है, फिर मैं सो जाती हूँ। मैं आपको ख्वाब बताती हूँ, फिर आपको ये तस्वीर दिखाऊंगी। दादाजी ने लिफाफा अकेले में खोलने की हिदायत की थी, और ख्वाब बताने या ये तस्वीर किसी को दिखाने की तो कोई हिदायत है नहीं उनकी। फिर रेखा ने पूर्व विवरण के साथ अपना वो सपना मौसी के सामने दोहराया। अरे ये वही मनोज उल्लू तो नहीं है जो तुम्हें झोपड़ी की छत पर बैठा दिखाई देता है? गंगा मौसी को ख्वाब सुनकर वो उल्लू फिर याद आ गया। रेखा, तुम भी अजीब लड़की हो, तुम ख्वाब में कोई ढंग की चीज नहीं देख सकती। मौसी, ख्वाब अपनी मर्जी से कहाँ दिखाई देते हैं? रेखा असहायसी बोली। अच्छा, लिफाफे में क्या है? ये देखिए, मेरे ख्वाब की तस्वीर है। रेखा ने कागज निकालकर उनके सामने किया। उसने पहले वो तस्वीर दिखाई जिसमें झोपड़ी उल्लू और सांप बना था। अरे ये तो बिल्कुल तुम्हारा ख्वाब ही है। अब जरा पलट कर देखिए, तब आपको इस ख्वाब का हल नजर आएगा, इस पहेली का हल। तो दोस्तों, ये था स्वाहा उपन्यास का पहला पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कॉन्टेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।